हमसे ये पूछे कि आप भाजपा को भाव देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, तो हम सीधा कह रहे हैं कि भाजपा को हम भाव नहीं देंगे जब तक आरक्षण लागू नहीं करेंगे। तो वो 5 सीट भी देंगे तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो वही अंग्रेज वाला चाल चल रहे हैं, फूट डालो राज करो। 5 सीट भी बीजेपी देगी तब भी नहीं जाऊंगा साथ, भाजपा को नहीं देंगे भाव, ये तेवर है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के, जिन्होंने बीजेपी को साफ शब्दों में चेता दिया कि चाहे कुछ हो जाए बीजेपी को भाव नहीं देंगे। और इसी के साथ बीजेपी के साथ सीटों के डील और साथ जाने पर सहनी ने साफ कह दिया कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक कोई समझौता नहीं और बीजेपी को सहनी की तरफ से कोई भाव नहीं। नेता बनाए थे, एक रोज हुआ उनको हटा दिए, हरीश सहनी को बनाए, कल फिर कुछ होगा तो हरीश सहनी को उतार के किसी और को ले आएंगे, तो वहाँ पे वो लॉर्डर का व्यवस्था में काम कर रहे हैं और हम लोग लीडर के तहत क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप दिल्ली गए भाजपा के नेताओं से मुलाकात? नहीं, हम कहीं दिल्ली उल्ली नहीं गए हैं, हम कहीं दिल्ली उल्ली नहीं गए। हमको किसी का भाव चाहिए नहीं, हम उसके पास जा ही नहीं रहे। हम तो सीधा बोल रहे हैं ना भाई कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि हम भाजपा के पास जाना ही नहीं चाहते हैं, तो भाजपा हमें भाव क्यों देगा जब हम पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ जाना ही नहीं है, आरक्षण नहीं देंगे तो कोई समझौता ही नहीं करना है, तो उनसे भाव क्यों लेना है? उनसे जाके पूछिए, हमसे ये पूछिए कि आप भाजपा को भाव देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, तो हम सीधा कह रहे हैं कि भाजपा को हम भाव नहीं देंगे जब तक आरक्षण लागू नहीं करेंगे। तो और ये भाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे तो भाजपा से पूछिए कि वो निषाद के बेटा को इग्नोर करेंगे। 5 सीट भी देंगे तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण पर बात बने वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वहीं हरीश सहनी को बीजेपी में मिली जिम्मेदारी के सवाल पर हरीश सहनी को मुकेश सहनी ने शुभकामना दिया और बीजेपी को करारा जवाब और कह दिया कि कल हरीश सहनी को भी बीजेपी जल्द ही हटाएगी। लेकिन ये तो वही अंग्रेज वाला चाल चल रहे हैं, फूट डालो राज करो, एक व्यक्ति को बड़ा बनाने से नहीं होगा। हमारी जो लड़ाई है कि 5 करोड़ यूपी बिहार झारखंड में निषाद है, उनको सबको खुशी मिले, ना ही कि एक व्यक्ति को खुशी मिले। एक व्यक्ति को खुशी मिला, हरीश सहनी को मेरा शुभकामना है, बधाई है, वो हमारे समाज का बेटा है। बाकी समाज के हर वर्ग को पता है कि लड़ाई आरक्षण के कौन लड़ रहा है, हम लीडर बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई लॉर्डर है जो कल तक सम्राट चौधरी नेता बनाए थे, एक रोज हुआ उनको हटा दिए, हरीश सहनी को बनाए, कल फिर कुछ होगा तो हरीश सहनी को उतार के किसी और को ले आएंगे। तो बीजेपी की तरफ से साइडलाइन करने के बाद मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। रथ यात्रा के साथ मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर वार कर रहे हैं और खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अपने बयानों से मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि सहनी लोडर नहीं लीडर बनना चाहते हैं। पटना से शुभम लाल की रिपोर्ट, बिहार तक।